महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के पटनी बाजार में स्थित नागचंडेश्वर महादेव 84 महादेवों में 19वें नंबर के महादेव हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय इंद्र की सुधर्मा सभा में नारद जी पधारे। इंद्र ने उनका स्वागत कर पूछा, महाराज आप तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, कृपया बतलाइए कि पृथ्वी पर भक्ति और मुक्ति देने वाला कौन सा श्रेष्ठ क्षेत्र है। नारद जी ने बतलाया, देवराज पर्या को उत्तम क्षेत्र कहा गया है, परंतु उससे भी 10 गुना श्रेष्ठ क्षेत्र महाकाल क्षेत्र है। यह सुनकर इंद्र देवताओं के साथ विमान से महाकाल क्षेत्र के ऊपर आ गए। वहां कई लिंग और निर्माल्य के ढेर देखे। शिव निर्माल्य को लांघने से पाप होता है, यह सोचकर वे स्वर्ग को लौटने लगे। तब उन्हें रास्ते में एक दिव्य पुरुष दिखाई दिया। उन्होंने उससे पूछा, आप कौन हैं और कहां से आ रहे हैं। इस पर वह बोला, मैं महाकाल का भक्त हूं, मेरा नाम नागचंड है, मुझे उनका गण होने का लाभ मिला है, मैं महाकाल का दर्शन कर आ रहा हूं। देवताओं ने पूछा, वहां लिंग निर्माल्य को लांघने से क्या तुम्हें पाप नहीं लगा। उसने समझाया, ईशानेश्वर के ईशान कोण में एक लिंग है, उसके दर्शन मात्र से शिव निर्माल्य को लांघने का दोष मिट जाता है। तब देवता अवंतिका को लौट पड़े, उन्होंने महाकाल का दर्शन किया, फिर क्षेत्र में घूमकर उस लिंग का भी दर्शन किया। इस लिंग का दर्शन करने से शिव निर्माल्य लंघन का दोष मिट जाता है। तब उन्होंने उस लिंग का नाम नागचंडेश्वर रखा। नागचंडेश्वर के दर्शन से शिव निर्माल्य को लांघने का दोष मिटता है, उनके दर्शन से आरोग्य प्राप्त होता है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।